हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अवंतिका ऑनलाइन क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री, एनवायरमेंट और करंट अफेयर की क्लासेस लगातार आ रही हैं। आज से पॉलिटिकल साइंस और मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। पॉलिटिकल साइंस पहले से भी चल रही थी लेकिन बीच में रोकनी पड़ गई थी, अब फिर से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो गई है और मैथ की नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक भरोसा दिलाता हूं कि अवंतिका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपके लिए बनाया गया है, अवंतिका क्लासेस कभी भी आपसे इसका पैड नहीं करेगी, आपको पूरा सिलेबस कराएगी। तो आप लोग अच्छे से बने रहे हमारे साथ। जीके में जो करंट अफेयर चल रहा है आपका, उसके लास्ट में जो कमर तेवर सीरीज चल रही है, उसको ये अलग से नोट्स बनाते चले, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर एग्जाम की एक ऐसी सीरीज है जो आपके हर पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी है। तो स्टूडेंट्स बने रहे हमारे साथ, जिन्होंने चैनल को शेयर नहीं किया शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लासेस की आज के मोटिवेशन वाक्य के साथ। क्या है? थोड़ी सी मेहनत थोड़ा इंतजार बाकी है, किस्मत के हौसलों पर एतबार बाकी है। शिद्दत-ए-इश्क हमने गवर्नमेंट जॉब से किया है, अपनी दुल्हन का अब सिंगार बाकी है। तो लाडलो, हमारा तो इश्क ही गवर्नमेंट जॉब है और उसी को हमने पाना है। तो लगे रहिए मेरे साथ आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके माँ बाप को सपनों को पूरा करने के लिए अवंतिका क्लासेस आपका लास्ट तक साथ देगी। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की पहली न्यूज के साथ। क्या है करंट अफेयर की पहली न्यूज कि वेस्ट बंगाल में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी। तो पश्चिम बंगाल में जो राज्य कैबिनेट है वहां ये मंजूरी मिल गई है कि हम यहाँ क्या बनाएंगे, विधान परिषद बनाएंगे। ठीक है लाडलो, अब देखो काम की बात। 1935 के अधिनियम में साफ साफ कहा गया था, 1935 के अधिनियम में ये बात कही गई थी कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद होनी चाहिए। तो 1935 के अधिनियम में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रावधान था। ठीक है लाडलो, और पश्चिम बंगाल में जो विधान परिषद बनी थी वो 1952 में बनी थी। तो 1952 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बन गई। कब बनी विधान परिषद? 1952 में पश्चिम बंगाल में बनी। उसके बाद लाडलो, उसके बाद क्या हुआ था, 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद समाप्त कर दी गई थी लाडलो। ठीक है, याद रहेगा। अब उसे दोबारा लेके आ रहे हैं। ठीक है लाडलो, अब हम बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं थोड़ा सा विधान परिषद के बारे में। तो पहला तो ये पूछेगा कि विधान परिषद वाले राज्य कौन से हैं। तो याद रखना, विधान परिषद वाले राज्य। तो लाडलो, याद रखना, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से हैं पूछ दे। तो देखो लाडलो, मैं बताता हूं क्या एक ट्रिक। पहला ऐसे याद करना, तू भी मजे कर। ठीक है लाडलो, तू भी मजे कर। टी मतलब हो गया तेलंगाना और यू मतलब हो गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। बी एच आई इसका पूरे का मतलब हो गया लाडलो, इस पूरे का मतलब हो गया बिहार।
ठीक है लाडलो। उसके बाद एम हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद के हो गया कर्नाटक। के क्या हो गया लाडलो? कर्नाटक हो गया। तो उसके बाद देखो कौन कौन से हो गए, तेलंगाना हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। अब रह कौन सा गया? आंध्र प्रदेश। तो जो ए है ये होता है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा लाडलो? आंध्र प्रदेश। तो वर्तमान में छह राज्यों में जो है विधान परिषद है, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो ये रहे विधान परिषद वाले राज्य। तू भी मजे कर भाई, जा तू भी मजे कर। अब बढ़ते हैं आगे। अब याद रखना विधान परिषद एक स्थायी सदन है लाडलो। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यानी कि जैसे राज्यसभा स्थायी होती है वैसे ही ये क्या है? स्थायी सदन है लाडलो। और इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछ दे? तो प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है लाडलो। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और याद रखना विधान परिषद का गठन पूछ दे तो याद रखना ये कहा गया है आर्टिकल 171 में। किसमें कहा है लाडलो? 171 में। और विधान परिषद के सदस्य की आयु अगर पूछ दे तो ये होगी लाडलो 30 वर्ष। कितनी होगी लाडलो? 30 वर्ष होगी। फिर अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक सीटें किसमें हैं, तो इस यूपी के अंदर है सर्वाधिक सीटें। और कितनी सीटें हैं लाडलो यूपी के अंदर? तो 100 सीटें हैं विधान परिषद में। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। और कितनी है लाडलो? कितनी है? तो 100 है। ठीक हो गया। फिर विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए विधान परिषद में। ठीक है, देखो एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अवंतिका क्लास केवल ऑनलाइन क्लास नहीं, आपके सपनों की क्लास है, आपके माँ बाप के सपनों की क्लास है। तो फटाफट से इसको कर दो शेयर और ले लो इसका स्क्रीनशॉट लाडलो। अब पढ़ते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है देखो अगली न्यूज में कह रहा है कि म्यूकर माइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगस कहते हैं को महामारी घोषित करने वाला राज्य। तो याद रखना इसको महामारी घोषित करने वाला प्रथम राज्य अगर पूछ दे तो याद रखना हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। और अगर दूसरा राज्य पूछ दे लाडलो सेकंड राज्य है लाडलो राजस्थान। कौन सा है लाडलो? राजस्थान। मारो राजस्थान। तो ये राजस्थान याद रखना कि म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जो कि कोरोना होने के बाद हो रहा व्यक्ति को उसे महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा, दूसरा राज्य राजस्थान। अब जान ले राजस्थान के बारे में थोड़ा। अगर आपसे पूछ दे कि राजसमंद झील कहां पर है लाडलो, तो याद रखना राजस्थान के अंदर है। अगर आपसे पूछ दे कि नक्की झील कहां पर है राजस्थान के अंदर है लाडलो। अगर आपसे पूछ दे पुष्कर झील कहां पर है, ये भी राजस्थान के अंदर है। अगर लाडलो आपसे पूछ दे
अगर आपसे पूछ दे कि सांभर झील कहाँ पर है, सांभर झील कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ है लाडलो, ये भी कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। ठीक हो गया लाडलो। फिर अगर आपसे पूछ दे कि केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है, केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखना केवला देव राष्ट्रीय पार्क जो है, केवला देव राष्ट्रीय पार्क, ये भी राजस्थान के अंदर है लाडलो। फिर आपसे पूछ दे कि रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ है लाडलो, ये भी कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। फिर आपसे पूछ दे हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था कालीबंगा, नोट करना हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता था, तो काले रंग की चूड़ियां। ठीक है लाडलो, काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता था। 1951 में इसकी खोज हुई थी, 1951 में इस हड़प्पा स्थल कालीबंगा की खोज हुई थी, और किसने की थी लाडलो, किसने की थी, अमलानंद घोष ने, किसने की लाडलो, अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की, और यहाँ पर क्या मिले हैं, यहाँ पर मिले थे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। ठीक है लाडलो, यहाँ क्या मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। याद रहेगी। एक चीज और याद करते जाओ। अगर आपसे पूछ ले भाखड़ा नागल बांध, तो याद रखना बच्चों, भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो किस किस राज्य में है लाडलो, वो किस किस राज्य में है, तो इसको याद करते और चले जाओ। इसमें राजस्थान अकेला शामिल नहीं है, इसमें शामिल है पंजाब, इसमें शामिल है हरियाणा, कौन कौन सा, पंजाब हरियाणा और मारो राजस्थान, कौन सा, राजस्थान। तो इन तीनों राज्यों में क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, और ये परियोजना लाडलो 1963 में बनी थी, 1963 में बनी थी, और लाडलो सतलज नदी के किनारे है, कहाँ है, सतलज नदी पर है। ठीक है लाडलो, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना है। तो सारे के सारे पॉइंट एग्जाम में आने के लिए तैयार बैठे हैं, तुम तो बस पढ़ते चले जाओ अवंतिका ऑनलाइन क्लासेस के साथ। फटाफट से 5 सब्सक्राइब करवा दो और आगे बढ़ते चलो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका और 5 लोगों को शेयर कर दो। अब पढ़ते हैं आज लोग आगे, अगली स्लाइड में आते हैं। अगली स्लाइड क्या है, यश चक्रवात को चेतावनी मिली हुई है, जो यश चक्रवात आने वाला है इसकी चेतावनी हमको मिल गई है। इससे पहले अभी कौन सा चल रहा था, तौकाते चल रहा था, इससे पहले वो कहां से आया था, वो आया था लाडलो कहां से आया था, अरब सागर की तरफ से, म्यांमार ने उसे नाम दिया था। अब ये क्या है, ये है यश चक्रवात, क्या है लाडलो, यश चक्रवात, और यश चक्रवात कहां से आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से, कहां से आ रहा है लाडलो, बंगाल की खाड़ी से आएगा, कौन, यश चक्रवात। ठीक है लाडलो, और इसका नामकरण किसने किया है, ओमान देश ने इसका नामकरण किया है, जबकि तौकाते का किया था लाडलो म्यांमार में। ठीक है लाडलो, ठीक है, और यश का अर्थ क्या है, तो यश का अर्थ है लाडलो, यश का शाब्दिक अर्थ है निराशा, कोविड में क्या चल रही है, निराशा, तो यश का शाब्दिक अर्थ क्या है लाडलो, निराशा है। अब पढ़ते हैं आगे कि ये करने क्या वाला है, तो ये क्या करेगा, तबाही मचाएगा, और तबाही भी कहां मचाएगा, तो ये मचाएगा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ, कहां मचाएगा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ। अब लाडलो हम करते हैं भंडारा बंगाल की खाड़ी में,
जल गिराने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों का भंडारा करते हैं। कौन कौन सी नदियां जल गिराती हैं उनका करते हैं भंडारा कर लो। ठीक है, तो देखो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ा नाम आपको याद रखना है गोदावरी का। किसका लाडलो? गोदावरी का। ठीक है, गोदावरी कहां से निकलती है? तो नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से, नासिक की त्रियंबक पहाड़ी से ये जो है निकलती है। फिर आपसे पूछ दे कृष्णा नदी कहां से निकलती है लाडलो? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, पश्चिमी घाट में स्थित है। तो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कौन? कृष्णा नदी। फिर आपसे पूछ दे दामोदर नदी पूछे, तो याद रखना दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है लाडलो। कहां से? छोटा नागपुर पठार से। फिर आपसे पूछ दे कि स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है लाडलो? तो ये भी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। फिर आपसे पूछ दे कि बैतरणी नदी कहां से निकलती है लाडलो? तो बैतरणी नदी निकलती है उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है बैतरणी नदी। ठीक है लाडलो। अच्छा एक बात और याद रखना, जो दामोदर नदी है ना ये जो दामोदर नदी है इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, दूषित हो चुकी है और इसके जलीय जीव क्या लग रहे हैं? मरने लग जा रहे हैं। वही स्वर्णरेखा नदी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जमशेदपुर किस पर बसा है लाडलो? तो याद रखना जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर ही बसा है। ठीक है, हर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट और वीडियो को कर दो शेयर। हो गया लाडलो, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? के राज नारायण का हो गया निधन। तो ये है क्या? तो लाडलो याद रखना ये जो है प्रसिद्ध तमिल लेखक है। कौन है? प्रसिद्ध तमिल लेखक है और साथ ही साथ ये उपन्यासकार भी है। कौन है लाडलो? उपन्यासकार भी थे, प्रसिद्ध तमिल लेखक भी थे। इनका एक उपन्यास था लाडलो, उस उपन्यास का नाम याद रखना, पूछा जा सकता है गोपल्ला परथू जो है, इसे लिखते हैं गोपल्ला परथू। ये इनका उपन्यास था और इस गोपल्ला परथू मक्कल और इस उपन्यास के कारण ही लाडलो इस उपन्यास के कारण ही इन्हें 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था लाडलो? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लाडलो। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें। और वास्तव में बच्चों ये क्या करते थे? ये अपने हर उपन्यास में क्या करते थे? करिसल भूमि का उल्लेख करते थे। ठीक है, करिसल भूमि कहां पर मिलती है? तो तमिलनाडु में मिलती है। तो करिसल भूमि का उल्लेख करते थे ये अपने हर उपन्यास में। याद रहेगी बात, तो के राज नारायण का हाल में हो गया निधन, वो थे तमिल लेखक और प्रसिद्ध उपन्यास गोपला परथू मक्कल नामक उपन्यास के कारण 1991 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है।
अपने हर उपन्यास में करिसल भूमि का जिक्र करते हैं। करिसल भूमि कहाँ है? तो तमिलनाडु में पड़ती है करिसल भूमि। अब कर लो लाडलो, अब कर लो तमिलनाडु का भंडारा। अब क्या कर लो लाडलो? तमिलनाडु का भंडारा। अब अगर आपसे कोई पूछ दे, अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेवाराय पहाड़ी कहाँ पर है, कि सेवाराय पहाड़ी कहाँ पर है लाडलो, तो याद रखना, याद रखना, सेवाराय पहाड़ी तमिलनाडु में है। कहाँ है लाडलो? तमिलनाडु में है। फिर आपसे पूछ दे टोडा, टोडा जनजाति कौमा कुरुम्बा जनजाति, टोडा कुरुम्बा, या पूछ दे आपसे इरुलर, इरुलर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना, याद रखना लाडलो, ये सब पाई जाती है तमिलनाडु में। अच्छा, टोडा जनजाति जो है, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी की, नीलगिरी पहाड़ी की मुख्य जनजाति है। नीलगिरी पर्वत की मुख्य जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति है। और नीलगिरी पर्वत कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है लाडलो, ठीक है, याद रहेगी बात। तो फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो हमारी है कमर तोड़ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो, उन्हें फटाफट से शेयर कर दो। कमर तोड़ सीरीज जो है उनकी हेल्प करेगी उनके पेपर की कमर तोड़ने में, और तुम भी फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। तो आ जाओ लाडलो, आ जाओ कमर तोड़ सीरीज करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन आपके लिए है पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट कब हुआ था लाडलो? 26 सितंबर, 26 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। और किस किस के मध्य हुआ है पूछ दे, किस किस के मध्य हुआ है पूछ दे, तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के, भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था पूना पैक्ट। फिर लाडलो आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे गदर आंदोलन, गदर आंदोलन कब हुआ था लाडलो, कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था। और पूछ दे किसने की इसकी स्थापना, तो सोहन सिंह, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना ये जो है, ये जो है इसके मुख्य स्थापना करने वाले थे। फिर अगर आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन ये वर्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था लाडलो, ये किस पंचवर्षीय योजना में आया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन वर्ड आया था लाडलो, गरीबी उन्मूलन वर्ड पांचवी पंचवर्षीय योजना। फिर अगर आपसे पूछ दे, फिर अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय रेल में, वर्तमान में भारतीय रेल में कितने जोन है, वर्तमान में भारतीय रेल में कितने जोन है लाडलो, तो याद रखना 18 जोन है। वर्तमान में भारतीय रेल में कितने जोन है? 18 जोन है। ध्यान देना जो पुरानी बुक है उनमें 15-17 लिखा हुआ है जो कि गलत है, और नई बुकें जो आएंगी उनमें 18 होगा, तो भारतीय रेल में 18 जोन है। फिर आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे बच्चों कि कारगिल दिवस कब मनाते हैं, कारगिल दिवस कब मनाते हैं लाडलो, इसमें क्या किया था हमारे सैनिकों ने, इसमें हमारे सैनिकों ने नल्ला पाकिस्तान को, नल्ला पाकिस्तान को सबक सिखाया था। तो 26 जुलाई को मनाते हैं, 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल दिवस। फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। ले लिया, अब आते हैं अगली स्लाइड में लाड लो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है लाडलो, अग्नि की उड़ान पुस्तक किससे संबंधित है? तो लाडलो याद रखना, ये लिखी गई थी, ये लिखी गई थी APJ अब्दुल कलाम, हमारे मिसाइल मैन के ऊपर, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर। फिर लाडलो आपसे पूछ दे, फिर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक, सॉरी सबसे कम, सबसे कम कार्बन प्रतिशतता वाला, सबसे कम
कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला कौन सा है? सबसे कम कार्बन प्रतिशतता वाला कोयला कौन सा है लाडलो? तो याद रखना, सबसे बेकार कोयला माना जाता है पीट। कौन सा लाडलो? पीट जो है सबसे बेकार कोयला है, उसमें कार्बन की मात्रा जो है सबसे कम होती है। फिर लाडलो पूछा गया था नावाड के बारे में। तो पहले ही कल भी बताया था मैंने नावाड के बारे में कि नावाड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को उसकी स्थापना होती है। और इसकी समिति पूछ दे लाडलो अगर, तो शिवरमन समिति है। फिर आपसे पूछ दे अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष पूछ दे तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है गोविंद चिंतालू। कौन है लाडलो? गोविंद चिंतालू वर्तमान में क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। फिर लाडलो आपसे पूछ दे कि स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो याद रखना लाडलो, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर लाडलो आपसे पूछ दे कि किस वायसराय की अंडमान निकोबार में हत्या हुई थी? किस वायसराय की अंडमान निकोबार में हत्या हुई थी? तो याद रखना लाडलो, अगर तुमसे पूछ दे कि किस वायसराय की अंडमान निकोबार में हत्या हुई, तो इसका नाम याद रखना लॉर्ड मेयो। कौन लाडलो? लॉर्ड मेयो। ये वही लॉर्ड मेयो था जिसके शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। ठीक हो गया लाडलो? ठीक है, फटाफट से लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ले लिया, अब बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 17 लाडलो छुआछूत की बात करता है, छुआछूत के विरोध की बात करता है। फिर अगर आपसे पूछ दे कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है लाडलो? तो याद रखना, जो वस्तु पर कर लगता है ना, वस्तु कर, वही सबसे बड़ा स्रोत है। जबकि सबसे बड़ा खर्चा कहाँ होता है, सबसे बड़ा व्यय कहाँ है, तो ब्याज अदायगी पर सबसे ज्यादा हम क्या देते हैं लाडलो? ब्याज देते हैं। फिर अगर आपसे पूछ दे सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है लाडलो? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। याद रहेगी बात, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। फिर लाडलो आपसे पूछ दे फाकता इसका मतलब होता है सफेद कबूतर। फाकता या सफेद कबूतर किसका प्रतीक है? फाकता या सफेद कबूतर किसका प्रतीक है लाडलो? तो याद रखना सफेद कबूतर प्रतीक होता है शांति का। फिर याद रखना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अवध के नवाब बाजिद अली शाह से अवध जो है कब ले लिया गया? तो बाजिद अली शाह से अवध की गद्दी
कब छीनी थी लाडलो, तो याद रखना 1856 में, 1856 में लगाया था कुशासन का आरोप, लगाया था कुशासन का आरोप, और किसने लगाया था, तो डलहौजी ने, किसके द्वारा छीनी गई, डलहौजी के द्वारा छीनी गई। ठीक है लाडलो, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी करंट अफेयर की क्लासेस। बच्चों जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो, फटाफट से वीडियो को शेयर करते चलो, अच्छे से नोट्स बनाते चलो। अवंतिका क्लास आपके सपनों की क्लास है, आपका सपना पूरा जरूर होगा, अच्छे से मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।